अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। तो आपको मेरे से यूट्यूब चैनल एमबी मैथमेटिक्स पर वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टोपोलॉजी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम करेंगे और उसको हम बकायदा इसको डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। और स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने टोपोलॉजी में बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस कर लिया, जैसे ओपन सेट, क्लोज सेट, डेंस सेट, क्लोपन सेट, क्लोजर ऑफ अ सेट और नेबरहुड, नेबर इनसे रिलेटेड जो एग्जाम्पल थी जो हमने जो थ्योरम से उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। तो आज का जो स्टूडेंट्स थ्योरम है ये पास्ट पेपर में आता रहा है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड हमने जो है ना वो डेंस सेट में किया था एक थ्योरम, ठीक है। उसमें हमारे पास एक सेट गिवन था और उसमें कहा गया था कि क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू के उसके सेट में क्लोजर ऑफ ए वाला जो सेट होता है उसमें ऐसे एलिमेंट्स आए सच दैट ईच ओपन सेट इंटरसेक्ट विद ए, ठीक है, ईच ओपन सेट कंटेनिंग एक्स इंटरसेक्ट विद ए। तो उसमें था हमारे पास ओपन सेट, ठीक है। तो इधर हमारे पास जो आज हमने थ्योरम करना है इसका ये थ्योरम है कि क्लोजर ऑफ ए में ऐसे एलिमेंट्स आए, ऐसे मेंबर्स आए, ऐसे पॉइंट्स आए, एक्स ऐसे आए सच दैट के ईच नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट एक्स इंटरसेक्ट विद ए, ठीक है। तो उस थ्योरम में मुझसे बाय मिस्टेक शुरू में मैंने कहा था कि एक्स क्लोजर ऑफ ए में ऐसे एक्स आए सच दैट एक्स इंटरसेक्ट विद एन विद ए, ठीक है। लेकिन क्या था कि ईच ओपन सेट कंटेनिंग एक्स इंटरसेक्ट विद ए, तो उसमें था एक ओपन सेट, लेकिन इसमें जो है वो हमारे पास है नेबरहुड, ईच नेबरहुड इंटरसेक्ट विद ए, ठीक है। तो ईच नेबरहुड इंटरसेक्ट विद ए, तो क्लोजर ऑफ ए में ऐसे एलिमेंट्स आए कि उनका जो ए नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट एक्स इंटरसेक्ट विद ए, ठीक है। उनका हम बकायदा जब लिखते हैं तो इनको जब हम स्टूडेंट से कैसे करेंगे, हम एक सेट डिफाइन कराएंगे खुद से, ठीक है, और उसमें भी हम कहेंगे कि सेम एलिमेंट्स आए जो इंटरसेक्ट करें विद यानी ईच नेबरहुड ऑफ द एक्स जो उसमें एक्स आए उसका नेबरहुड इंटरसेक्ट करें विद ए, ठीक है। तो ए क्लोजर ऑफ ए एक सेट हमें जो गिवन है हम खुद से डिफाइन कराएंगे बी सेट, ठीक है, जो उसके इक्वली होगा। लेकिन हम कहेंगे, लेकिन हम इन दोनों को क्लोजर ऑफ ए और बी को दोनों को इक्वल प्रूव करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें जब हम दो सेट को इक्वल प्रूव करना होता है तो हम क्या करते हैं कि ए को बी का सबसेट प्रूव करते हैं और बी को ए का सबसेट प्रूव करते हैं। तो हम कहते हैं कि इन दो इक्वेशन से या इन दो इनक्वालिटी से वो कैन से दैट ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें कोई एक एलिमेंट लेकर चलते हैं और ये प्रूव कर देते हैं कि ये जो एक्स है वो उसमें भी मौजूद है, ठीक है। हम कंट्रेरी मानते हैं कि ये जो एक्स इसमें है उसमें नहीं है, लेकिन अगर जाकर हम शो कर देते हैं कि इसमें भी मौजूद है, तो हम कहते हैं कि सिंस एक्स इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट सो ऑल द पॉइंट ऑफ दिस सेट इज ऑल्सो बिलोंग टू दिस सेट। तो हम कहते हैं कि ये जो सबसेट है, ये जो सेट है वो इसका सबसेट है। इस तरह से हम इस सेट बी में भी एक एलिमेंट मानेंगे और उसको हम क्लोजर ऑफ ए में जो है ना वो लाइक करवा देंगे। तो हम कहेंगे कि इसके सारे एलिमेंट्स उसमें मौजूद हैं, लिहाजा दोनों के एलिमेंट्स एक दूसरे में मौजूद हैं तो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो इनको हम कायदा इनको डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह की ये प्योर मैथ है इसको हम याद नहीं कर सकते, ठीक है, इसको हम समझ कर पढ़ेंगे तो हमें कोई फिर परेशानी नहीं होगी। अगर हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं, जिस तरह के हमने कितने थ्योरम पढ़ लिए, ठीक है, अगर उनमें कुछ की जो है वो हमारे माइंड में हो सकती है स्टेटमेंट, लेकिन हर किसी थ्योरम या एग्जांपल की स्टेटमेंट हमारे पास है हमारे माइंड में इस वक्त मौजूद नहीं। या हमें कोई क्वेश्चन करेगा तो हम उसका जो है ना वो जो है उसको अंडरस्टैंड किए बगैर उसका आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। तो उसको हम उसको अगर आपने डायग्राम की हेल्प से अगर आपने अंडरस्टैंड किया हुआ है तो आप उसको दो तीन दफा देखेंगे तो वो आपको जो थ्योरम की स्टेटमेंट होगी वो आपको माइंड में जो है बैठ जाएगी। और तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम जो है ना वो आज का जो थ्योरम है उसको करते हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो क्या स्टूडेंट्स हमारे पास जो आज का थ्योरम है वो है, इसके लिए आपको स्टूडेंट्स नेबरहुड का आइडिया बहुत होना जरूरी है, ठीक है। आइडिया नेबरहुड क्या होता है वो मैंने इनसे जो पहले वाली वीडियो है उनमें बताया, तो आप इनको इस वीडियो को पढ़ने से पहले उसको आप अगर अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो गिवन है वो क्या है कि कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है उसका कोई एक सबसेट है ए, और कहते हैं कि शो दैट दिस सेट जो है
और क्या करेंगे, ईच नेबरहुड इंटरसेक्ट विद ए, ठीक है, ईच नेबरहुड हम कहते हैं ये कोई नेबरहुड इंटरसेक्ट करे विद ए। इंटरसेक्ट करने का क्या मतलब है, वो आपस में डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास कोई टॉपोलॉजी का स्पेस है उसका सबसेट ए, और उसका क्लोजर में कहते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स आएंगे सच दैट ईच नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट एक्स इंटरसेक्ट करे विद ए। तो हम कहते हैं स्टूडेंट, हम डिफाइन कराते हैं खुद से, लेट बी बी एनी सेट सच दैट एक्स, और उसमें भी कहते हैं कि हम ऐसे मेंबर्स आए जिनका नेबरहुड इंटरसेक्ट करे विद ए। ईच नेबरहुड, इसका जो भी नेबरहुड होंगे उनका इंटरसेक्ट करना ए के साथ लाजमी है, ठीक है। तो इसको हम स्टूडेंट से, जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया कि इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, इसमें एक कोई पॉइंट एक्स मानेंगे और दूसरे में शो करवा देंगे। तो हम स्टूडेंट से पहले हम मानते हैं कि लेट एक्स में ए क्लोजर में कोई एलिमेंट है, ठीक है, और हमें शो करना है कि वो जो एक्स है वो बी में मौजूद है, ठीक है। लेकिन हम कंट्रेरी मान लेते हैं कि जो एक्स इसमें मौजूद है वो इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है। इनको हम डायग्राम के हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है, और ये हमारे पास कोई ए इसका सबसेट है, ये हमारे पास क्या है ए, और इसका स्टूडेंट हम कहते हैं क्लोजर जो होता है वो स्मॉल एस क्लोज सुपरसेट होता है, लेकिन हम अब ये सारे ये कहते हैं कि वो ए क्लोजर ये वाला है, ठीक है, ए क्लोजर ये वाला है, ये ए क्लोजर है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि एक्स वो ए क्लोजर को बिलोंग करता है, यानी एक्स इधर मौजूद है, और जो बी है स्टूडेंट्स वो हम कहते हैं कि इधर कोई बी मौजूद है, ठीक है, इधर ये कोई सेट बी मौजूद है, ये कौन सा सेट है, ये है बी। तो आपको अगर कंफ्यूजन ना हो तो ये ए क्लोजर हो गया, ए क्लोजर का सेट, ये ए का सेट और ये बी वाला का सेट हो गया। तो हम कहते हैं ये जो एक्स है वो ए क्लोजर में मौजूद है लेकिन बी में मौजूद नहीं, ठीक है, और ए क्लोजर हम जानते हैं इसका स्मॉल एस क्लोज सुपरसेट होता है, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें मौजूद नहीं, इसमें मौजूद नहीं, यानी एक्स इसको बिलोंग नहीं करता, और इसको बिलोंग करने का ना करने का मतलब क्या है कि देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड विच डू नॉट इंटरसेक्ट विद ए, ठीक है, जो इसकी डेफिनेशन को वो होल्ड नहीं करेगा क्योंकि इसको बिलोंग नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, सो देयर एग्जिस्ट एन नेबरहुड, सो देयर एग्जिस्ट एन नेबरहुड एन एक्स, सो सच दैट कि ए का जो इंटरसेक्ट है इसके साथ ये हम कहते हैं इसकी डेफिनेशन को होल्ड करेगा। तो हम कहते हैं ये ऐसा है कि नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा जो इसको जो इससे डेफिनेशन को होल्ड करेगा, यानी वो आपस में डिसजॉइंट होंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये कोई यू एक नेबरहुड है, ठीक है, ये कोई यू ओपन सेट है, सॉरी ये कोई हम हाँ निकाल रहे हैं नेबरहुड के लिए, नेबरहुड ये कोई नेबरहुड है, ठीक है, ये कोई नेबरहुड है एन एक्स, ठीक है, और हम देख सकते हैं कि ये दो ए और एन एक्स दोनों डिसजॉइंट है, दोनों में कोई चीज का नहीं आ रही, इसीलिए हमने इधर लिख लिया कि ये ए और इंटरसेक्ट एन एक्स आपस में डिसजॉइंट है, सो इज इक्वल टू एम्प्टी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि जो ए है वो सबसेट है किसका, एन के कम्प्लीमेंट का, ठीक है, तो यानी एन का जब हम कम्प्लीमेंट लेंगे तो वो सारा एरिया आ जाएगा, ठीक है, बस इस वाले एन एक्स जो एन एक्स को छोड़कर बकाया सारा रीजन आ जाएगा, तो उसमें ए उसका सबसेट बन जाएगा। तो ये हमने कह दिया, तो ये है इसको हम स्टूडेंट्स कहते हैं क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हमें शो करना है कि एक्स जो वो इसको भी बिलोंग करता है, तो इसके लिए हम इधर तक आए। तो अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सिंस नेबरहुड है, अब हम नेबरहुड की डेफिनेशन को इस्तेमाल करेंगे, सिंस एन एक्स इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स सो देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट यू, तो इधर क्या करेंगे, एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको हम कहते हैं यू। तो हम कहेंगे सिंस एन इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स सो देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट यू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करे उस
ओपन सेट को और ये ओपन सेट आगे से इसका सबसेट हो एन का, ठीक है। तो इसका सबसेट है, तो अब हम स्टूडेंट से ये वाली चीज बनाएंगे एन का कम्प्लीमेंट। तो एन का कम्प्लीमेंट बनाएंगे तो ये उल्ट जाएगी, यानी एक्स बिलोंग करेगा एन के कम्प्लीमेंट को और ये अगली सबसेट होगा यू एक्स का कम्प्लीमेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये जो चीज आ गई एन का कम्प्लीमेंट, इसको हम ये वाली चीज ये वाली इनइक्वालिटी अब इस्तेमाल करेंगे। तो क्या करेंगे अब हम के इधर से हमारे पास स्टूडेंट क्या आएगा कि ए का जो ए है वो सबसेट है एन के कम्प्लीमेंट का और एन का कम्प्लीमेंट आगे से सबसेट है यू के कम्प्लीमेंट का, यू के कम्प्लीमेंट का। तो इधर से स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि ए वो सबसेट है यू एक्स के कम्प्लीमेंट का, यानी इस ओपन सेट का जो कम्प्लीमेंट भी है वो उसका सबसेट है, ठीक है। तो सीन से स्टूडेंट से ये कोई यू था वो एक ओपन सेट था उसका कम्प्लीमेंट लिया, तो हमारे पास क्लोज सेट आ गया। ओपन सेट हम जानते हैं टोपोलॉजी के मेंबर्स को ओपन सेट कहते हैं, और उसके जब हम कम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमारे पास एक क्लोज सेट आता है। तो स्टूडेंट से ये क्या हो गया क्लोज सेट, बट हम जानते हैं कि जो स्मॉलेस्ट क्लोज ओपन सेट होता है किसी सेट का वो उसका उसी का क्लोजर होता है। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स के ए क्लोजर जो होगा यानी ए सबसेट होगा ए का और आगे से ये सबसेट होगा यू एक्स के कम्प्लीमेंट का, ठीक है स्टूडेंट। तो अब क्या होगा स्टूडेंट इसका क्या मतलब है इन चीजों का, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो चीज है इसका मतलब है कि ए क्लोजर और ए का इंटरसेक्शन और यू एक्स के का इंटरसेक्शन आपस में डिसजॉइंट है, या जिस तरह ये हमने लिखा इस तरह से हम इधर से हम इधर आए इस तरह से हम इधर से यानी इसी तरह से हम जो है ना इधर से इसको मैं रेज करता हूं। जिस तरह हम इधर से इधर तक आए थे इस तरह से हमने स्टूडेंट से ये लिख दिया कि ए क्लोजर का जो कम्प्लीमेंट था ना यू एक्स सॉरी ए क्लोजर सबसे इसका, तो इस इधर जिस तरह हमने इधर से इधर ये लिखी ये हमने जो है ना वो इक्वालिटी लिखी इस तरह से हमने इस इक्वालिटी से ये वाली इक्वालिटी लिख ली। तो उसमें से अब हम गौर करेंगे कि ये जो चीज है इधर हमारे पास क्या आ गया, अब हम देखते हैं कि यार ये इनइक्वालिटी ठीक है, ठीक है। तो जिस तरह हमने मान कर चले एक्स इसको बिलोंग करता है और हमने कहा कि यू एक्स एक ऐसा यू एक्स एक ओपन सेट है जो जो इसको कंटेन करता है, ठीक है। इधर से भी हम देख सकते हैं यू जो है वो एक्स को कंटेन करता है और ए क्लोजर भी एक्स को कंटेन करता है, तो इन दोनों के कॉमन में कम से कम जो एक एलिमेंट एक्स था वो जरूर आना था। तो इसलिए हम कहेंगे सिंस एक्स बिलोंग टू ए क्लोजर एंड एक्स आल्सो बिलोंग टू यू एक्स सो देयर इंटरसेक्शन विल नॉट बी इक्वल टू एम्प्टी सेट व्हिच इज कंट्राडिक्शन सो एक्स विल बी बिलोंग टू बी। तो इसका मतलब होगा स्टूडेंट्स का हमारा जो एक्स है वो बी को बिलोंग करेगा, ठीक है। इसका मतलब होगा स्टूडेंट्स का हमारा जो एक्स है वो बी को बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर एक्स ए क्लोजर को बिलोंग करता है तो फिर यानी इस साइड को बिलोंग करता है तो फिर इस साइड को भी बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये स्टूडेंट्स एक्स जो है वो इसमें भी आएगा, ठीक है, एक्स इधर भी आ जाएगा। लेकिन हम चूंकि इसको हम जो है वो दूसरा पार्ट करेंगे फिर हम कहेंगे कि ए क्लोजर और बी दोनों इक्वल है, यानी ए क्लोजर जो और जो बी होगा वो इसके ऊपर ही आएगा, ठीक है, इक्वल हो जाएगा फिर। लेकिन हम इधर थोड़ा सा फर्क करने के लिए मैंने ए क्लोजर को उससे छोटा लिया और बी को बड़ा लिया, ठीक है, थोड़ा सा फर्क करने के लिए। और जब हम जो है ना ये इधर से क्या शो किया मैंने कि एक्स इसको बिलोंग करता है और एक्स जो है ना वो इस बी को भी बिलोंग कर गया, इसका मतलब ये होगा कि ए क्लोजर जो है वो सबसेट है बी का। तो इधर से ये स्टूडेंट प्रूफ हो गया कि ये जो ए क्लोजर है वो बी का सबसेट है, ठीक है। तो ये सारी रीडिंग जो है वो बुक पर लिखी है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा समझाना जो मेरा काम ही बस आपको यही है कि जो बुक पर जो लिखा है उसको आपको समझाना है, वो क्या लिखा है वो कैसे आया है उसको समझाना है, बस मेरा काम है इधर। और ये आप बुक पर भी देख सकते हैं, तो अगर आपको इधर से देखकर आप खुद से आप ऐसे जब थ्योरम्स को करने लगेंगे तो फिर आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा और आप खुद से भी दोस्तों कहेंगे आओ मैं आपको समझाता हूँ क्या ये टोपोलॉजी क्या कहती है। और जब आपके पास ये डायग्राम का आइडिया बनाएंगे आप वेन डायग्राम की हेल्प से इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर आप के पास नॉलेज आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, इसके बाद हम इसका जो कन्वर्स वाला पार्ट है उसको करते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि इसका जो कन्वर्स वाला पार्ट है उसको करते हैं। उसमें हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि अब हम ये मानेंगे कि एक्स हमारा जो है ना वो बी को बिलोंग करता है, लेकिन एक्स जो है वो ए क्लोजर को बिलोंग नहीं करता। ठीक है, यह इसको बिलोंग नहीं करता, तो इसको बिलोंग करने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, इस सेल को बिलोंग करता है, इसका मतलब है कि ईच नेबरहुड ऑफ एक्स विल इंटरसेक्ट विद ए। तो इसका मतलब क्या होगा कि एन एक्स ईच नेबरहुड इंटरसेक्ट करेगा विद ए। तो और इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स कि एक्स बिलोंग करेगा ए क्लोजर के कंप्लीमेंट को। ठीक है, इसको नहीं बिलोंग करता तो उसका हम कंप्लीमेंट लेंगे तो उसमें लाजमी होगा, यानी अगर एक्स जो है वो इधर नहीं है ठीक है तो वो उसके कंप्लीमेंट में जरूर होगा। यानी अगर अब हम ये बनाते हैं फिगर, इसके जो वेन डायग्राम होगी अब हमने स्टूडेंट से माना कि एक्स जो है वो बी को बिलोंग करता है, लेकिन एक्स ए क्लोजर को बिलोंग नहीं करता। ठीक है, और अब हमने कहा कि एक्स जो है वो ए क्लोजर के कंप्लीमेंट, यानी जब हम ए क्लोजर का कंप्लीमेंट लेंगे तो ये सारा रीजन छोड़ के इसका सब कंप्लीमेंट बाहर वाला रीजन आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो सारे डिलीट हो जाएंगे, यानी वो नहीं आएंगे, उसके अलावा जो सारे एलिमेंट्स है वो सारे आएंगे, तो उसमें जो है एक्स लाइक करेगा। ये वाली चीज बस हम वो लिख दी है। तो अब हम स्टूडेंट से इससे क्या पता चल रहा है कि सिंस ये हम जानते हैं कि ए क्लोजर जो होता है ये क्लोज होता है, और उसका जब हमने कंप्लीमेंट लिया तो ये आ गया ओपन। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, सो जो ए क्लोजर का कंप्लीमेंट इज एन ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये क्या होगा ओपन, तो एक ओपन नेबरहुड होगा ऑफ एक्स पॉइंट का। ठीक है, तो सिंस हम जानते हैं कि ईच नेबरहुड जो वो इंटरसेक्ट करता है इसके साथ ए के साथ, तो अब हम इस तरफ जाते हैं कि क्या ये इंटरसेक्ट करता है कि नहीं करता। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स के सिंस हम जानते हैं ए क्लोजर और का इंटरसेक्शन विद ए क्लोजर के कंप्लीमेंट के साथ ये आता है एम्प्टी सेट, यानी ए क्लोजर ये वाला रीजन और ए क्लोजर का कंप्लीमेंट बाहर वाला रीजन, दोनों में कोई चीज का मन नहीं आएगी, दोनों डिसजॉइंट है, तो इसका मतलब क्या होगा वो उनका कंप्लीमेंट जो है वो सॉरी इनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा। तो ये बाय डेफिनेशन हमने लिखा है। ठीक है, बुक पर तो ऐसे लिख दिया ना कि सिंस दिस साइड, तो ये मैंने आपको इधर से समझाया कि ए क्लोजर का कंप्लीमेंट ये वाला रीजन, ए क्लोजर का जो सॉरी ए क्लोजर वाला रीजन ये वाला, और ए क्लोजर का कंप्लीमेंट बाहर वाला रीजन आएगा, यानी ए क्लोजर को छोड़ के तो जो सारे एलिमेंट बाहर वाले होंगे तो दोनों में कोई एलिमेंट का मन नहीं आएगा, तो उनके इंटरसेक्शन में कोई चीज नहीं आएगी तो वो एम्प्टी सेट होगा। तो अब स्टूडेंट से क्या करेंगे सिंस, और ये हम जानते हैं कि ए जो है वो सबसेट है ए क्लोजर का, इधर से भी देख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन ए क्लोजर का कंप्लीमेंट विल इक्वल टू फाइव। तो सिंस हमने कहा कि स्टूडेंट से ये एक ओपन नेबरहुड है ऑफ पॉइंट एक्स का, और हम जानते हैं कि ये हम आगे चले कि ईच नेबरहुड जो है इंटरसेक्ट करता है विद ए के साथ, तो दिस इज कंट्राडिक्शन। ठीक है, ये क्या इसके साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो ये क्या है कंट्राडिक्शन, बिकॉज वी हैव सपोज दैट ईच नेबरहुड इज इंटरसेक्ट विद ए, सो इसके नीचे हम लिख देंगे कि दिस इज कंट्राडिक्शन, सो एक्स विल बी बिलोंग टू ए क्लोजर। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्स जो वो ए क्लोजर को बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स जो वो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों इनइक्वालिटी से स्टूडेंट्स हम क्या सब जो है वो कंक्लूजन निकालते हैं उसको हम देखते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि बी जो है वो सबसेट है ए क्लोजर का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका ऑप्शन इंशा ले लें। तो अब जो स्टूडेंट्स हमारे पास जो कंक्लूजन आया रिजल्ट आया वो क्या है कि एक्स जो है ना ये ए है और ये ए क्लोजर है, बी भी इसके ऊपर ही मौजूद है। ठीक है, यानी बी भी इसके ए क्लोजर के इक्वल है। ठीक है, तो क्या बी भी इसके इक्वल है,
इन दो इक्वेलिटी से हम जान सकते हैं कि हमने इसमें लेकर चले तो वो उसमें मौजूद है, और उसमें लेकर चले तो वो बी में मौजूद है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके सारे एलिमेंट्स उसमें मौजूद हैं और उसके सारे एलिमेंट्स उसमें मौजूद हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए क्लोजर और बी सेट दोनों इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम जो है इनका इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और जो इसकी परेशानी थी याद रखने की उससे आज़ाद हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैथ समझने का नाम है, ठीक है, जब हम इसको समझ कर पढ़ेंगे तो हमें जो है इंजॉयमेंट आएगी। इसको हम जब पढ़ेंगे तो फिर जो बुक पर उन्होंने हमारे पास हमारे साथ जो उन्होंने खेल खेला होता वो जब हम समझेंगे तो फिर हम खुशी महसूस करेंगे कि हमने इसको इनको ये जो इधर उन्होंने इशारी इस्तेमाल किया तो उसको हमने पकड़ लिया। तो क्या कहते हैं बुक पर बहुत शॉर्टकट लिखा होता है, उसको जब हम इस तरह के समझेंगे तो फिर हमें समझ आएगी। ठीक है, वैसे ये प्योर मैथ है, इसको हम जितनी देर तक डायग्राम की हेल्प से या कोई स्केच बना कर नहीं समझेंगे उतनी देर तक इसका जो समझना है वो बहुत ही डिफिकल्ट होगा। अगर हम ये समझ लेते हैं फिर हम इसको ये हमारे जब माइंड में होगी तो जो है ना वो मैं हम ऐसे भी डायग्राम बनाने के बगैर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या मैं जो है डायग्राम बनाने के बगैर भी आपको समझा सकता था, लेकिन उससे आपको डिफिकल्टी होनी थी, आपको कोई इंटरेस्ट पैदा नहीं था होना, तो मैंने आपको इस तरह से समझाया था कि आप भी लोग खुद भी समझे और आपको इसमें इंटरेस्ट पैदा हो। तो स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।